आपको आज की बड़ी खबर देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर और राजस्थान के भरतपुर में दो बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस रैली के जरिए राहुल गांधी पर एक बार फिर से तीखा वार प्रधानमंत्री मोदी का। आपको बता दें, राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं वहां पर किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर उनकी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उनके माता पिता को जिस तरह से चुनावों में घसीटा जा रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस पर तीखा वार किया। एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। नागौर की 10 विधानसभा सीटों को साधने के मकसद से जब पीएम मोदी जिले में पहुंचे तो कुछ इसी अंदाज में रैली का आगाज किया और एक के बाद एक राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर खूब बरसे। मुद्दा किसानों का उठा तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी की सूझबूझ पर ही सवाल उठा दिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहाँ किसानों का बोलना है तो वह रट लेते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। बात सिर्फ राहुल गांधी की समझ तक नहीं रुकी, लगे हाथ कांग्रेस की चार पीढ़ियों के शासनकाल को विकास की राह में रोड़ा और भ्रष्टाचार की वजह बता दिया। एक बार फिर चुनाव प्रचार में माता पिता को घसीटने को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ये नामदार की सरकार ऐसे जादूगर थी, बेटी पैदा नहीं हुई और विधवा हो जाती थी, उसके नाम से विधवा पेंशन का चेक कट जाता था, पैसे कट जाते थे। भाई इसको मुझे बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जिसको ये मलाई खाने को मिलती थी वो मोदी मुर्दाबाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मोदी की जाति पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मोदी की मां को घसीटेंगे नहीं घसीटेंगे, मोदी के बाप को गाली देंगे कि नहीं देंगे? ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हो गई है। नागौर में पीएम मोदी की ये रैली इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। नागौर में पिछले साल कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका था, मतलब पिछले चुनाव में नागौर जिले की जनता ने बीजेपी को बंपर जीत का आशीर्वाद दिया था, इसीलिए बीजेपी ने पीएम मोदी को नागौर में उतारा है ताकि पिछले चुनाव का करिश्मा इस बार भी दोहराया जा सके। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।